हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम टाइटल देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे सीरम्स की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास है मिनिमलिस्ट का नियासिनमाइड सीरम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मिनिमलिस्ट की। मिनिमलिस्ट एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। इसके सारे ही प्रोडक्ट सल्फेट, पैराबिन, फ्रेग्रेंस फ्री हैं। अगर मैं बात करूँ सीरम्स की कि सीरम्स का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए, तो गाइस सीरम जो होते हैं वो आपकी जो स्किन होती है उसको अंदर से रिपेयर करते हैं। क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि हम तो मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं, बट गाइस जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो आपकी स्किन के सिर्फ ऊपर की लेयर पे काम करते हैं, बट जो सीरम होते हैं वो आपकी स्किन की डीप लेयर, मतलब इनर लेयर तक आप काम करते हैं। इसीलिए ये बहुत स्लोली काम करते हैं, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। अगर आप रेगुलर सीरम इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। सीरम इस्तेमाल करने की कोई, अगर मैं एज की बात करूँ तो कोई इसकी स्पेसिफिक एज नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी अगर आप 25+ हो चुके हो तो आपको ज़रूर अपने स्किन के रूटीन में सीरम्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब मैं बात करूँ नियासिनमाइड सीरम की, तो नियासिनमाइड किन किन चीज़ों में या फिर किन किन प्रॉब्लम्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, रेडिनेस की प्रॉब्लम है, ऑयलीनेस, ओपन पोर्स, जो मुझे लगता है सबको ही आजकल बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो फिर नियासिनमाइड सीरम बहुत अच्छा है। आप लोग को ज़रूर इसे इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें कॉलेजन प्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, ग्लो बनाता है। साथ ही साथ इसमें हाइड्रोलिक एसिड भी है और जिंक है, जो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को और अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है। क्योंकि हाइड्रोलिक एसिड का काम यही है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे, उसमें मॉइस्चर लॉक करके रखे। क्योंकि आपको पता है समर सीजन है, आप जब भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमेशा आपसे एक चीज़ ज़रूर कहते होंगे कि अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपने अपने स्किन या बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। तो वही काम ये करता है, हाइड्रोलिक एसिड का भी यही काम है कि वो आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, जिससे आपकी स्किन में रैशेज ना हो, आपकी स्किन पे पिंपल्स ना हो। ये काम है हाइड्रोलिक एसिड का। अब मैं अगर ये बात करूं कि किस किस स्किन टाइप्स को ये सूट करेगा, तो गाइस वैसे तो ये सारी स्किन टाइप्स को बहुत इजीली सूट करेगा, बट ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छा है, वो लोग इसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप अपना रेगुलर फेस वॉश कर लीजिए एक जेंटल क्लिंजर से। उसके बाद आप जो भी आपका फेवरेट टोनर हो आप उसे इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको नियासिनमाइड सीरम की सिर्फ 2-3 बूंदें ही लेनी है, 2-3 ड्रॉप सफिशियंट है आपके पूरे फेस और नेक के लिए। और हाँ गाइस, एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो है मॉइस्चराइजर इसके बाद ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि गाइस इसका जो टेक्सचर होता है सीरम्स का, वो बहुत ज़्यादा बहुत थिन होता है, मतलब बहुत मोटी लेयर नहीं होती इसकी, तो ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में ऑब्जर्व कर देता है। तो अगर आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं यह एवेपरेट ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी एवेपरेट हो जाएगा आपकी स्किन को, उतने अच्छे से ये जो उसके बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर को नहीं अप्लाई करेंगे। तो वो मस्ट है कि आपको इसके ऊपर ज़रूर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। और अगर आप इसे डे में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नियासिनमाइड ऐसा सीरम है जिसे आप डे और नाइट दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसे डे में इस्तेमाल करें तो गाइज उसके बाद आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी सनस्क्रीन। और अगर आप इसे नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट में आप सनस्क्रीन अवॉइड कर सकते हैं, बट डे में आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की, तो ये आता है आपका 30 ml में, और इसकी जो MRP है वो है आपकी 599। बट गाइज मैंने इसे पर्पल से ऑर्डर किया था, और आपको पता ही है कि पर्पल पे आई हार्ट ब्यूटी सेल स्टार्ट होने वाली है 5 मई से लेके 13 मई तक। सो गाइज प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करिए। आप मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखे ना, वो आपको ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखती रहती हूँ कि कहाँ सेल है, मतलब आपको यही प्रोडक्ट जो आप 599 में बहुत अच्छे सेल डिस्काउंट पे आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी उस पर मिलते हैं, क्योंकि पर्पल हमेशा ऐसी ही सेल चलाता है जिसमें बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी आपको मिलते हैं। सो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, मैं हाईली इसको रिकमेंड करती हूँ। आप ज़रूर नियासिनमाइड सीरम को यूज़ करें अपने डेली रूटीन में। और गाइज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, सीरम स्लोली काम करते हैं, इंस्टेंट काम नहीं है सीरम्स का, तो ये धीरे धीरे आपकी स्किन में काम करेंगे, धीरे धीरे आपकी स्किन रिपेयर करेंगे। सो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।